की हालत सही साफ दस दिन इनको ना आधे घंटे बाद दौड़ाना होता था। फीड की बताया ना कमरान भाई कितनी इनको नस्ल दी। अभी आप इसको किस चीज का पानी लगाएंगे आज? कितना टेम्परेचर चाहिए होता कमरान भाई ने? अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक हो? तो प्यारे भाइयों और दोस्तों, रात को आया था चूज और यार मेरी थी तबीयत बहुत ज्यादा खराब, आई मीन सेहत, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो अभी आपको ना सारा विजिट कराते हैं। तो आए सलमान भाई, जरा दिखाएं ना कितनी तिरपाल लगी खली है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। एक और ये आगे दो, और दो तिरपाले अभी इधर हैं और आगे ना कली लगाई हुई है, न्यू कली लेकर आए हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और दिखाएं इधर ये भट्टियाँ भी चालू हैं, ये एक भट्टी लगाई हुई है, ये आगे दूसरी भट्टी है, और अंदर का विजिट आपको अभी करवाते हैं। आगे आ जाए और ये दिखाएं, ये रात को इनमें आया है चूजा, ये डब्बे हैं भाई इनमें दिखाते हैं आप। तो आ जाए, ये देखें एक तिरपाल और ये देखना कली लगाई हुई है टेम्परेचर मेंटेन कर। आ जाओ अंदर, कैमरा मैन भाई ध्यान से आ जाओ, आ जाओ, ये चेक करें माशाल्लाह। कितने कमरान भाई चूजा? 10,500। ये कितने बनते हैं? 10,500। और टेम्परेचर क्या है कमरान भाई, देख कर बताए ना। कितना 34-60। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है कमरान भाई ने? 34-35 चाहिए होता है, देख कर होगा। और दिखाएं माशाल्लाह चूजा, और कमरान भाई चूजा जब आया है तो आपने किस चीज का पानी लगाया है? मतलब सादा पानी। सादा पानी, सादा पानी कितने घंटे लगाना होता है? मैक्सिमम जो रात हमारी निकल गई है पानी। अच्छा, रात निकल गई है। अभी आप इसको किस चीज का पानी लगाएंगे आज? ओआरएस का। ओआरएस का, ओआरएस का कितने दिन पानी लगाते हैं आप? एक ही पानी, एक ही पानी ओआरएस का। ये है 10,500। और 10 दिन इनको ना आधे घंटे बाद दौड़ाना होता है ताकि इनके जो है जर्दी मिक्स हो जाए, अंदर हल हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। तो ये देखे ना पानी पी रहे हैं इधर माशाल्लाह। तो फीड की बताए ना कमरान भाई कितनी इनको ना स्टार्टिंग में? फीड इनको स्टार्टिंग 6-7 घंटे बाद तकरीबन आधी बाल्टी, आधी बाल्टी 10,500 चूजे को आप देते हैं। जरा भट्टियों का दिखाए ना क्या हाल है अंदर का। जो कदम मतलब ना ध्यान से रखने पड़ते हैं चूजे ना नीचे, छोटा चूजा है ना तो अभी ध्यान से, इनको नहीं पता होता। ये चेक करें भट्टी की हालत सही साफ। ये दोनों भट्टी इसी तरफ चल रही हैं, इसी तरफ चल रही हैं ताकि टेम्परेचर बरकरार है। अगर इस तरह खुली रहे तो इससे टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। हाँ ये तो है, अभी चूके ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो कमरान पे टेम्परेचर कम हो तो चूजे को क्या होता है? सर्दी लगती है चूजे को, जैसे इंसानों को सर्दी लगती है। कम टेम्परेचर पे चूजे को जब सर्दी लगेगी तो चूजा मोर्टैलिटी करेगा। ऐसे ही है, चूजा मर जाएगा अगर सर्दी लगेगी तो। कितना प्यारे चूजे हैं ये देखे, बिल्कुल फ्रेश माल है क्योंकि इनको सही टेम्परेचर में रहा है, सही इनको ह्यूमिडिटी मिल रही है, जगह सही मिल रही है, जिसकी वजह से ये फ्रेश है। ये देखो तो कमरान भाई हम बात कर रहे थे कि अगर इनको सर्दी लग गई है मर जाएंगे, मतलब ठंड हो जब टेम्परेचर कम हो, 33 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा ना? हाँ 33-34। अच्छा, तो उस पर मतलब चूजा सही रहता है? बिल्कुल। अब देखे बिल्कुल ये ना माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है इसको। तो भाई इस तरह के मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और हम इंशाल्लाह आपको ना डेली इनकी ना अपडेट देते रहेंगे वीडियोस में, और आपको ना इनको बताएंगे इनको क्या क्या चीज़ हम डाल रहे हैं, क्या क्या पानी मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।